वाली गलती आप मत करना, वरना सी सेक्शन कराने के बाद बहुत पछताना पड़ सकता है। मैं सबको हाय बोल दो। जब आपका सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आपके पीरियड्स तभी से आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नर्सेज ने मुझे पैड पहनाया था, थोड़ा डिफरेंट पैड होता है उनका कुछ, मतलब वो पैंटी नहीं पहनाते, सिर्फ पैड पहनाते, वो बांध देते हैं कमर पे, बांध दिया था। पहले नाड़ा शायद पहनाया होगा, उसके बाद बांधा होगा, मैंने देखा नहीं, बट मेरे को इतना पता था मैंने पैंटी तो नहीं पहनी, इन्होंने पैड मुझे पहनाया। यूट्यूब पे किसी ने पहली बार इतना अच्छे से सी सेक्शन के बारे में बताया होगा। गाइज लेडीज बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखना है, आपका सी सेक्शन के बारे में कोई भी क्वेश्चन मन में नहीं रहेगा, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। के बाद ये प्यारी सी प्रिंसेस मेरे हाथ लग गई है। हम वेट कर रहे थे पेन का, कि मेरे लेबर पेन स्टार्ट हो तो हम नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट करें। बट पूरे 40 हफ्ते बीत गए, 40 हफ्ते मतलब बहुत सारे लोगों का कमेंट आने लग गया था, आपकी प्रेगनेंसी को तो 10वां महीना लग गया। 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 36 वीक्स कंप्लीट होने के बाद, आपका जो बेबी है वो फुल्ली ग्रोथ हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो तो डॉक्टर आपको 2 से 3 हफ्ते के लिए और रुकने की सलाह देते हैं। इसकी डिलीवरी 37 वीक में भी होती है, 38 वीक में भी होती है, 39 एंड 40 वीक में भी डिलीवरीज होती हैं। ठीक है, तो मेरा तो 40 हफ्ता पूरा गुजर गया, 9 महीने खत्म हो गए, पर मेरी बेबी को बाहर नहीं आने का था। तो देखा आपने, वैसे तो डिलीवरी 9 महीने में हो जाती है, लेकिन किसी को 10 महीने भी लग जाते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुआ था, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेबर पेन का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने चेक किया, जब अल्ट्रासाउंड में आया कि थोड़ा पानी कम हो गया है, ठीक है, और बेबी का हेड नीचे था पर उतना भी नीचे नहीं आया हुआ था जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाए, वेट करना पड़ रहा था उसके लिए भी। और NST टेस्ट का भी रिजल्ट कुछ खास अच्छा आया नहीं था। NST टेस्ट में बच्चे के मूवमेंट, हार्ट बीट वगैरह देखते हैं, तो वो अच्छी उतनी आ नहीं रही थी। 9th मंथ में पानी कम होना या फ्लूइड कम होना आम बात है, लेकिन 10 मंथ से ज़्यादा बेबी को टमी में रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, और जबकि बेबी की हार्ट बीट अच्छे से नहीं आ रही हो तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। आज ही एडमिट होने के लिए बोल रहे हो? आज ही एडमिट होना है। मुझे लगा था मैं जब जाऊंगी हॉस्पिटल तो शायद वाटर बैग पड़ जाएगा और रोते धोते जाऊंगी कि पेन हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको नेचुरल पेन ना हो तो डॉक्टर एक बार ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से आर्टिफिशियल पेन देके एक बार नॉर्मल डिलीवरी की जाए। डॉक्टर ने बोला कोई नहीं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको हम कुछ मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, तो उन्होंने मेरे वजाइना के अंदर कुछ इंसर्ट किया, लिक्विड सा मेडिसिन था वो, उससे लेबर पेन इंड्यूस हो जाता है। वो स्टार्ट हो गया था लेबर पेन, मैंने बराबर लिया 10 घंटे, पूरी रात में पेन में रही। पेन होने के बाद डॉक्टर बीच बीच में कुछ टाइम के गैप में चेक करते रहते हैं, फिंगर इंसर्ट करके कि कितना डाइल्यूट हुआ है, कितना मुंह खुला है। कम से कम नॉर्मल डिलीवरी के लिए 5 से 7 सेंटीमीटर का मुंह खुलना या डाइल्यूट होना बहुत जरूरी होता है। बट मेरा तो हार्डली 2 सेंटीमीटर मुश्किल से हुआ था भाई, 10 घंटे पेन के बाद सिर्फ 2 सेंटीमीटर डाइल्यूट हुआ था। अगर पेन अच्छे से स्टार्ट नहीं होते हैं या डाइल्यूट अच्छे से नहीं होता है, तो बेबी का जो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसके अंदर बेबी सेफ रहता है, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। और मेरे एमनियोटिक फ्लूइड ऑलरेडी कम हो चुका था, बेबी का हेड अभी भी उतना नीचे नहीं आया हुआ था। ये सब देखते हुए फिर डॉक्टर ने बोला कि देख लो, नॉर्मल के लिए और ट्राई कर सकते हैं, और टाइम भी लग सकता है, या फिर आप चाहो तो सी सेक्शन भी करा सकते हो। पर अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लग जाता है तो उसके बाद डॉक्टर ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, वो वाटर बैग को ब्रेक करके ये देखने का कोशिश करते हैं कि कहीं बेबी ने पोटी तो नहीं कर दी। अगर बेबी ने अंदर पोटी की होती है तो वो फिर सी सेक्शन करना ही पड़ जाता, क्योंकि वो सही नहीं रहता है बेबी की हेल्थ के लिए, अगर उसके पेट में लंग्स में चला जाए तो। पर बेबी ने पोटी तो नहीं किया, ये चेक करने के लिए डॉक्टर जो पीवी टेस्ट करते हैं वो पेनफुल होता है। इस बात को पहले ही मन में आपको बिठा लेना चाहिए कि थोड़ा बहुत पेन तो होगा और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। अगर लेबर इंड्यूस करने के कई घंटे बाद भी डाइल्यूट नहीं हो रहा है, बेबी का सिर नीचे नहीं आ रहा है, या वाटर जो फ्लूइड है, पानी है, वो कम हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर सी सेक्शन के लिए
जाने की सलाह देते हैं। वैसे तो पेशेंट पे निर्भर करता है कि उसको क्या करना है, बट डॉक्टर यही एडवाइस करते हैं कि नाउ गो फॉर सी सेक्शन। ये मेरा फर्स्ट बेबी है, मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी स्टार्टिंग में, थायराइड भी था मुझे ऑलरेडी, मेरे दो मिसकैरेजेस भी हो चुके थे, तो मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना था, मेरे ऊपर छोड़ दिया था डॉक्टर ने आपको क्या डिसीजन लेना है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। एंड देन वी डिसाइडेड कि लेट्स गो फॉर सी सेक्शन। और जब ये डिसाइड हो जाता है कि अभी सी सेक्शन करना है, तो आपको रेडी कर दिया जाता है सी सेक्शन के लिए, और साथ में आपको ड्रिप वगैरह चढ़ाई जाती है स्टार्टिंग में। एंड देन सी सेक्शन डिलीवरी के लिए मैं ऑपरेशन रूम में पहुंची। रूम बहुत बड़ा था और ऊपर एक लाइट थी बहुत तेज सी, छोटा सा बेड था, इतना छोटा सा बेड था यार, बहुत ही छोटा, मुझे लगा यार मैं गिर जाऊंगी इस बेड पे, कहां लिटा रहे हैं मुझे। बस यही वो टाइम होता है जहां पे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं बेबी को बाहर आने में, लेकिन 5 मिनटों में आप कितना कुछ सोच जाते हैं, आपको डर लगता है, कभी आपको फील होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब काफ़ी कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस ये सोचना है कि 5 मिनट में आपका बेबी आपके पास होगा। अभी हालांकि किसी का कहना और खुद एक्सपीरियंस करने में फर्क होता है, आप भी मुझे सुन रहे हो, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ तो आपको फीलिंग ही अलग आएगी। यार एक्चुअली सी सेक्शन इज ए सर्जरी एंड इनफैक्ट है मेजर सर्जरी, और सर्जरी से डर लगना तो लाजमी है, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत रखनी है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बात तो ये सोचना मत कि हमारे साथ ऐसे होगा, अगर हो भी जाए तो यार डरना मत, हिम्मत रखना। और एक बात बोलूँ यार, पता है दर्द से तो आप घबराना ही मत, क्योंकि सी सेक्शन में ना दर्द तो होता ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो कमर में एनेस्थीसिया दे देते हैं, जिससे आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपका जो है सी सेक्शन हो भी जाएगा और आपका बेबी भी आपके पास होगा, 5 मिनटों का खेल है सारा, और आपको कोई दर्द कुछ भी फील नहीं होगा, इसलिए इस बात से तो आप निश्चिंत ही रहना। और हाँ यार, वो आपको ना एनेस्थीसिया देने से पहले आपके बॉडी को, टमी वगैरह को, बैक को क्लीन भी करते हैं, ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना रहे स्किन पे, और उसके बाद वो एनेस्थीसिया देते हैं। आप अपनी सारी डिलीवरी को फील कर सकते हो एनेस्थीसिया लगने के बाद भी, बस नीचे की लोअर बॉडी है उसमें पेन नहीं होता है, लेकिन आप फील कर सकते हो। अगर आप चाहो तो अपना सी सेक्शन देख भी सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि किसी की इतनी हिम्मत होती है कि वो अपना सी सेक्शन होते हुए देख सके। कई लेडीज को ना रहता है कि हमारा सी सेक्शन होगा तो हमारी जो टमी है उस पर निशान दिखाई देगा जो कट होता है, लेकिन डॉक्टर जो है वो पेट पे निशान नहीं करते हैं, आजकल कट नहीं करते हैं, बिल्कुल लोअर बॉडी जो होती है, नीचे वाला पार्ट होता है, बिकनी लाइन के पास कट होता है, और ये ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है, तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा कट लगेगा और हमारे वो टमी पे दिखाई देगा, तो आप कट नीचे भी लगवा सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप डॉक्टर को बोल सकते हो कि मुझे कट जो है लोअर साइड में चाहिए, बिकनी साइड में चाहिए। अगर आपका बेबी ज़्यादा ऊपर की साइड है तो वहाँ पे जो नर्सेज होती हैं वो पुश भी कर सकती हैं, और पुश होने में ज़्यादा पेन नहीं होता है, हल्का फुल्का आपको जैसे पुश करते हैं ऐसा लगता है बस। उसके बाद विद इन 5 मिनट्स आपका बेबी आपके पास आ जाता है, और डॉक्टर बिल्कुल आपके पास उसको अच्छे से टच करवाती हैं, और बहुत अच्छी फीलिंग होती है ये। मैं जब वहाँ लेटी हूँ, 5 मिनट के अंदर बच्चे की रोने की आवाज आ गई, अरे यार मैं तो अभी तो आई थी, इतनी जल्दी बच्चा डिलीवर कर दिया इन्होंने, इतना फटाफट निकाल दिया। बस बेबी डिलीवर होने में 5 मिनट्स लगते हैं, उसके बाद बेबी की कॉर्ड काट दी जाती है, यानी कि नाल जो होती है वो काट दी जाती है, और आपको स्टिचेस लगा दिए जाते हैं, उसके बाद आपको रिकवरी रूम में भेज दिया जाता है। रिकवरी रूम में वहाँ पे आपको 2 घंटे के लिए रखा जाता है, और एनेस्थीसिया के बाद आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप यूरिन पास करें, और आपके स्टिचेस भी आए होते हैं, इसलिए वो यूरिन पास करने के लिए जो नली है उसको लगा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, और वहीं पे आप यूरिन पास करती रहती हैं, और आपको फील भी नहीं होता है कि कैसे यूरिन पास हो रहा है, बस वो हो जाता है। 12-14 घंटे हो गए तब उन्होंने बोला कि आप पानी पीना स्टार्ट कर सकते हो, फिर जूस वूस देना स्टार्ट किया, फिर सेमी सॉलिड डाइट दिया, और उसके अगले दिन से फिर मुझे उन्होंने प्रॉपर डाइट देना भी स्टार्ट कर दिया था, प्रॉपर खाना उन्होंने बोला, पूरा बैलेंस डाइट खाओ, आपके खाने में सब होना चाहिए, दाल चावल रोटी फल फ्रूट सब्जी दही दूध सब खाओ। तो हेल्थ सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीडिंग में
दिक्कत आ सकती है और सी सेक्शन में तो बिल्कुल आती है, उठा नहीं जाता है, स्टिचेस लगे होते हैं, तो नर्सेज आपकी हेल्प करती हैं आपको फीड करवाने के लिए। सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपको अपने बेबी को खुद से फीड नहीं करवाना है, खुद से नहीं उठाना है, इससे आपको स्टिचेस में पेन हो सकता है। वैसे तो आपको स्टिचेस के लिए काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह डॉक्टर दे देते हैं, लेकिन फिर भी पेन होता है, जिसका पेन होता है। हॉस्पिटल में जब मैं थी, डॉक्टर ने स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दिए थे, मेरे को पेन नहीं होता था, लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे यहाँ पे पेन होता था, उठने बैठने, वॉशरूम यूज करने के लिए, नहाने के लिए बहुत दिक्कत आई। लेकिन ये भी सच है कि विद इन 10 डेज आप पूरी रिकवरी कर लेते हैं और आपके स्टिचेस का पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी होती तो बहुत ही अच्छा, बेस्ट होता, मेरी रिकवरी और जल्दी हो जाती, पर अगर भगवान ने सी सेक्शन मेरे लिए डिसाइड किया था तो इससे भी मुझे सिर्फ 10 दिन की दिक्कत आई, उसके बाद मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब काम अपना अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके स्टिचेज आए हैं अगर वो नीचे की तरफ आए हैं तो नॉर्मल पैंटी जो आप पहनते हो रेगुलर यूज में वो नहीं पहननी है, मैटरनिटी पैंटी आती है वो पहननी है, वो हाई वेस्ट होती है, वो आपके स्टिचेज पे नहीं लगेगी। अगर आप नॉर्मल पैंटी पहनोगे तो आपके स्टिचेज पे चिपकेगी और आपको बहुत पेन होगा। अगर आपके पैरों में सूजन वगैरह आती है तो डॉक्टर से बात करिए, या फिर घर में गर्म पानी में डिप करके रखिए पैरों को, पैरों के नीचे पिल्लो रखिए। तो ये सब आपको करना है और आपकी ये जो डिलीवरी टाइम है और डिलीवरी के बाद का टाइम है बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और भी ऐसे ऐसे वीडियोस देखने के लिए।